यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो हम लोग ऑल इंडिया रैंक जिनकी आई है उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, और उसी में नेक्स्ट आज हम बात करने वाले हैं आशीष गोयल की, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 12 स्कोर किया है। तो आज हम बात करेंगे आशीष से। तो सबसे पहले तो आशीष, बहुत बहुत बधाई हो। पहली चीज सीए बनना और उसके बाद में रैंक लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इंडिया में सिर्फ 50 लोग ही ऐसे होते हैं जो फर्स्ट वाले 50 लोग जिनको रैंक आती है। तो आशीष, बहुत बहुत बधाई उसके लिए। और सबसे पहले आप मुझे ये बताइए और सब जो सुन रहे हैं उन लोगों को ये बताइए, कल आपको कैसे पता चला आप पास हुए हैं और रैंक आई है, और उसके बाद आपका और आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। एक तो आपका स्क्रीन शेयर करना वो भी मेरे लिए, जब मैं क्लासेस देख रहा था मेरा मन था एक बार आपसे मिलूं। अब आजकल कोरोना के टाइम में वर्चुअली पॉसिबल है तो चलो मैं बहुत खुश हूँ। पहले तो आपके साथ मेरे को इस मौका मिला ज्वाइन होने का। एंड रिलेटेड टू रिजल्ट्स, तो मैंने जैसे एक बार हमारे जो जलंधर ब्रांच का ग्रुप है उसमें मैसेज आते हैं रिजल्ट अनाउंस हो गए हैं, तो अच्छा मैंने वेबसाइट तो क्रैश हो गई थी तब ओपन नहीं हो रही थी, पर फिर भी लकीली मेरा 5 मिनट में रिजल्ट ओपन हो गया। इमीडिएटली मैंने देखा पास पास और टोटल 592, तो मुझे था 592 है तो रैंक तो पक्का ही आई होगी। फिर रैंक के लिए ओपन किया, रैंक भी 2-3 मिनट में ओपन हो गई थी। तो जैसे ही रैंक देखी वैसे आई वॉज इन प्राउड 9, बिकॉज बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रैंक आएगी। तो राइट 12th रैंक आ गई, वो भी तो बहुत ही खुशी की बात थी। मम्मी साथ में बैठे हुए थे तो उनकी आंखों में जो प्राउड था वो देख के और खुशी हुई। दैट्स ग्रेट, बहुत मजा आ गया होगा करके। ठीक है आशीष, लाइक अभी सबसे पहले ये सीए था, ये कंप्लीट कर लिया आपने, अब आप आगे क्या करना चाहेंगे? हाँ, अभी आगे पढ़ाई का तो कोई प्लान नहीं है, पढ़ाई हो गई है। अब मैं कॉर्पोरेट में ही अपना जॉब करूंगा, और अगर उस कॉर्पोरेट में जॉब करते हुए उसमें अगर आगे बढ़ने के लिए कुछ जॉब कुछ रिक्वायरमेंट हुई क्वालिफिकेशन की या कुछ सर्टिफिकेशन की तो वो देखूंगा। अदरवाइज माय फर्स्ट थिंग इज कि मैं अपना पहले कॉर्पोरेट में अच्छी जॉब ज्वाइन करूँ। अच्छा, आप पहले एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कॉर्पोरेट में, और उसके बाद में कुछ 2-3 साल बाद सोच सकते हैं आगे जाके। यस सर, और मैं बताऊं, बहुत अच्छी लाइक स्कोप है कॉर्पोरेट में भी, और बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड है जो बहुत बड़ी बड़ी जगह पे है, वो बोलते हैं आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल ही नहीं रहे, बिकॉज बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो प्रैक्टिस में भी जा रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप का भी थॉट रखते हैं, बहुत सारे लोग टीचिंग में भी जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री में बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट की आज कमी लग रही है, और ऑब्वियसली आप चाहोगे और वो बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ लाइक आपकी जो पढ़ाई है, पहली चीज़ तो ये कोविड का टाइम चल रहा है ऑब्वियसली, लाइक दैट इज नॉट गुड यस फॉर होल वर्ल्ड फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स। कैसे आपने अपनी पढ़ाई की, और अप्स एंड डाउन लाइफ में बहुत बार आते रहते हैं, तो कैसे आपने अपना सपोर्ट सिस्टम बिल्ड किया जिससे आप वापस से, कब जब डाउन हो जाओ तो वापस से कैसे पुश बैक करना है, अप करना है, वो आप कैसे करते थे, उसके बारे में आप बताइए थोड़ा। ठीक है। तो जैसे मेरा मई 18 में इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया था, उसके बाद उसमें चलो बहुत ग्रुप्स हैं, उसमें भी रैंक आई थी 33, तो ये तो श्योर था कि मुझे फाइनल्स में भी बहुत ग्रुप्स देने हैं। उसके लिए मैंने सोचा था मैं इमीडिएटली अपनी प्रेपरेशन शुरू कर दूंगा। लाइक जैसे अगस्त में आर्टिकल शिफ्ट ज्वाइन करी थी तो 2-3 महीने आर्टिकल शिफ्ट में एडजस्ट होने के लिए, क्योंकि न्यू एनवायरनमेंट था। दिसंबर से मैंने अपनी क्लासेस शुरू कर दी थी और उसके अकॉर्डिंगली प्लान किया था। प्लान चलते नहीं है, फिर जब मार्च 2020 आया तो कोरोना आ गया, एकदम अनसर्टेनिटी हो गई कि अब क्या होगा, क्योंकि अब फॉर अ टाइम बीइंग क्लासेस भी बंद हो गई थी। उस टाइम मेरी लोकल क्लासेस चल रही थी तो कुछ क्लासेस डिलीवर नहीं हो पाई थी, उसमें बहुत टाइम लग गया। दिसंबर से क्लास चल रही थी, मई तक एक्सटेंड हो गई थी, अनसर्टेनिटी थी। बट एट द सेम टाइम ये भी था कि अपना एम फिक्स था कि सीए क्रैक करना ही है और बोथ ग्रुप्स करने ही है चाहे कुछ भी हो, तो इसलिए मैंने क्लासेस को कंटिन्यू रखा। जहाँ जैसे मई में फिर क्लासेस शुरू हो गई थी, टीचर्स की ऑनलाइन डिलीवर होनी, बुक्स आनी, तो मैंने मई में इमिडिएटली क्लासेस बुक कर ली थी, उनको ज्वाइन किया था। फिर तो मैंने बीच में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली थी, जैसे मेरा थर्ड ईयर शुरू हुआ था अगस्त में, तो मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली थी और उसके लिए मुझे अपना अटेम्प्ट डेफर करना पड़ा। लाइक माय ओरिजिनल अटेम्प्ट वाज मई 21, फिर मैंने उसको डेफर किया, और तो लास्ट के 6 मंथ्स फिर मैंने प्रिपरेशन करी है अपना मई 21 से लेके नवंबर 21 तक। तो वो टाइम मैं कहता हूँ सबसे डिफिकल्ट टाइम, बिकॉज जब आर्टिकल शिफ्ट में आप थे तो आप रेगुलरली अपने कलीग से मिल रहे थे, प्रिंसिपल से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, कुछ ना कुछ वैसा हो रहा था। बट यहाँ पे अब 6 महीना पूरा घर में कैद हुए तरीके से, एक रूम के अंदर। देयर वर डेज जब मैं बाहर पहुंच में भी नहीं जा रहा था, तो अपने रूम पे कंस्ट्रेंट था, खाना पीना सब पेरेंट्स ही प्रोवाइड कर रहे थे। तो वो टाइम एक डिफिकल्ट टाइम था, और वहां पे आपको होता है कि कभी आपका मोरल डाउन हो जाता है, क्योंकि आप 6 महीने तक कॉन्स्टेंट नहीं रह सकते एक ही मोटिवेशन के साथ। उस पॉइंट में मैं कहता हूँ कि वे पेरेंट्स थे, उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा हार्डवर्क उन्होंने किया है। क्योंकि मेरा तो क्या था, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो ठीक है, जब मैं नहीं पढ़ा तो मैं टीवी देख लूंगा अपना फ्रेश होने के लिए, पर घर वाले क्या है, जब मैं पढ़ रहा हूँ तब वो टीवी नहीं देख सकते, और
और जब मैं टीवी देख रहा हूँ तब भी वो टीवी नहीं देख सकते, तो इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया, और उनका शायद ये कॉम्प्रोमाइज, उन्होंने जो एफर्ट्स डाले वो मेरे लिए एक मोटिवेशन फोर्स था कि मुझे अपना बेस्ट देना एग्जाम्स में। राइट, कल कैसा लगा मम्मी को जब रिजल्ट आया था, क्या बोला मम्मी ने आपसे, बात क्या हुई आपकी? मम्मी दूसरे रूम में थे, मैं चुप, मुझे पता लगा रिजल्ट आया, चुपचाप से रिजल्ट चेक कर रहा था, मम्मी को शायद शक हो गया कि रिजल्ट आ गया, मम्मी उठ के आ गए साथ में, तो फिर मम्मी के सामने मैंने खोल के देखा, और जैसे ही मैंने देखा पास पास, मैंने बोला सीओ बन गया, अब बुक्स की शक्ल दोबारा नहीं देखनी है, तो मम्मी तो बहुत खुश हुए, और फिर उसके बाद जब मार्क्स मैंने आपको बताया अच्छे आए थे तो रैंक भी देखी, एक्सपेक्टेशन जैसे था मेरे को एक्सपेक्टेशन थी, घर वालों को था इंटर में रैंक आई है तो फाइनल में भी आएगी, तो जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो गई तो वो बहुत खुश हुए, फिर पापा को कॉल किया, भाई को कॉल किया, बड़े भाई को, तो फिर उसके बाद तो बस कॉल का सिलसिला रात तक चालू ही रहा। That's great. Relatives वगैरह आपके फोन वोन आए होंगे? हाँ जी, हाँ जी। किसी को जिसको अच्छा लगा ना लगा सबके आए होंगे? नहीं बस सब अच्छे लगने वाली है आजकल, ऐसा रहा नहीं, सब अपने अपने चीज अच्छा ही कर रही है। सीधी सी बात है, That's good. Great. Okay, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में कितने रिविजन चाहिए होते हैं किसी भी बच्चे को अगर पास होना है इन द फर्स्ट अटेम्प्ट और वो भी रैंक लानी है, तो कितने रिविजन चाहिए, कितना टाइम चाहिए, और कैसे आप अपनी स्टडी को मैनेज करते थे, और कैसे लाइक जो टारगेट्स थे उस टारगेट्स को अचीव करते थे, कैसे प्लानिंग की आपने अपने पढ़ने को लेके? ओके, सो पहले तो है जब भी आर्टिकलशिप का ड्यूरेशन है 2.5 ईयर्स है या कोई अगर डेफर करे 3 ईयर्स है इन माय केस, तो वो तो आप पहले उसको क्लासेस कंप्लीट कर लो उस टाइम पीरियड में, आपका ऐसा नहीं होगी क्लास करनी है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो सेल्फ स्टडी वाला सब्जेक्ट भी एटलीस्ट एक बार उसको गो थ्रू कर लो उस पीरियड में, लास्ट के 6 मंथ्स में आप अपना क्लासेस का बर्डन ना लेके चलो, किसी का कोई चलो प्रॉब्लम है एक क्लास को फिर भी मैनेज करी जा सकती है, उससे ज्यादा आप मत रखो, और लास्ट के 6 मंथ्स की प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा सिंपल फंडा था कि 3 रिविजन मुझे करनी है, 6 मंथ्स 180 डेज है, तो मैंने डिवाइड किया 100 डेज में फर्स्ट रिविजन, 50 डेज में सेकंड रिविजन, और 25 डेज में थर्ड रिविजन। मीन्स अगर एक ब्रॉड प्लान हमारे पास है तो हम उसको फिर अपना डेली कस्टमाइज तो कर सकते हैं, बट एक ब्रॉड प्लान होना बहुत जरूरी है। तो और मैंने जैसे कि एक्सेल में मुझे शौक था तो मैंने एक्सेल में डेली बना रखा था, मुझे आज ये टारगेट करना है, और फिर आगे उसका पाई चार्ट बना रखा था, जब वो फेल होता था तो अच्छा लगता था देखने में कि चलो इतना पोर्शन कवर हो गया है, तो ये चीज थी। उसके बाद जैसे 100 डेज मैंने सिलेक्ट किए तो मैंने सोचा था एक सब्जेक्ट, मैंने वन सब्जेक्ट एट अ टाइम उसको थोरली कवर करना है, उसके बाद दूसरे पे जंप करना है, तो फिर उसको मैंने ऐसे डिसाइड किया था, जैसे मेरी एफआर में 120 लेक्चर्स थे तो मुझे पता था मैं एक दिन में 6 लेक्चर्स कवर कर सकता हूँ, 20 डेज एफआर को देने हैं, उस हिसाब से 74 लेक्चर्स डीटी में थे तो उसमें भी था कि 6 लेक्चर्स दे कर सकता हूँ, तो 12 दिन का मैंने एवरेज दिया था, तो इस तरह का मैंने प्लान किया था। 100 डेज की प्लानिंग थी, 96 डेज के राउंड वो कंप्लीट हो गई थी फर्स्ट पोजिशन इस तरह। तो यही मेरा कि अगर प्लानिंग करके आप चल रहे हो तो आपका सिलेबस ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, और मैं कहूंगा कि आपको प्रेशर भी नहीं आएगा, रोज मुझे पता होता था कि मुझे इतना काम कंप्लीट करना, आज का टारगेट ये है, टारगेट कंप्लीट हुआ, कोई प्रेशर नहीं हुआ, रात को आराम से फोन चला के सोया मैं एक घंटा। दैट्स गुड। लाइक डीटी की बात करते हैं, जैसे डीटी आपने मेरे से पढ़ी, तो डीटी में हमेशा ये बच्चों का मानना रहता है, ये हमारा भी मानना रहता है, डीटी बहुत वास्ट पेपर है, बिकॉज अगर आप देखेंगे 3 सब्जेक्ट एक साइड रख लीजिए, डायरेक्ट टैक्स एक साइड रख लीजिए, और बड़ा ही वास्ट पेपर है, उसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 मार्क्स का, फिर 70 मार्क्स के लिए भी काफी बड़ा पोर्शन है, तो आपने कैसे उसको कवर किया, और लास्ट के 1.5 डेज में आपने कैसे उसको रिटेन किया और वो चीजें याद रखी और एग्जाम में आपने अच्छे से परफॉर्म किया, ये कैसे किया? पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा सर, डीटी के लिए स्पेशली कोई शुगर कोट नहीं कर रहा हूँ, कि डीटी का मुझे नहीं लगा कि वो बहुत वास्ट है, क्योंकि तो मैं शुरू से स्ट्रिक्ट मुझे कॉम्पैक्ट करनी है, मैं आपको मैसेज भी बोला था कि मैं हर सब्जेक्ट में, जैसे मैं आपको था कि स्टडी मैट देखना ही है एक बार हर सब्जेक्ट का, बट मैंने डीटी का स्टडी मैट नहीं देखा, डीटी में मैं कॉम्पैक्ट पे स्टिक रहा था कंपाइलर एक बार करके, उसको तो ये था क्वेश्चन मार्किंग करनी है, बट लास्ट ये तो मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट रिटेन करने हैं, और कॉन्सेप्ट के लिए कॉम्पैक्ट बुक बहुत बेस्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक बनाई है आपने, और लास्ट 1.5 डे में मैंने कॉम्पैक्ट को, मैंने उसको कॉम्पैक्ट को 5-6 रिविजन दे दी थी पहले अपने 6 मंथ्स में, सो डेट लास्ट के 1.5 डे में मैंने ऐसा किया था कि अपना इलेक्टिव के टाइम पे इंटरनेशनल टैक्स रिवाइज कर लिया था, और जो 1.5 डे था उसमें से मैंने वॉल्यूम 1 कॉम्पैक्ट का रिवाइज किया था नॉर्मल टैक्स वाला, और आराम से ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया था। That's great. ये लेकिन 5 बार रिवाइज पहले करना रहता है, तब लास्ट बार 6ठी बार होता है, ये सब लोग ध्यान रखना करके, ठीक है? एक दिन में नहीं तो क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पहले तो रिवीजन करते नहीं, बोलते फिर 1.5 दिन में कैसे पूरा रिवाइज होगा, ऐसा नहीं होता है, आपको कम से कम पहले 2-3 बार रिवाइज करना रहता है, और बाद में तो आशीष ऐसा हो जाता है ना, जब आप पेज देखते हो तो आपको पता चल जाता है इस पे ये लिखा हुआ है। हाँ जी, बहुत हाँ जी। बार आप पेज का हेडिंग देखा आपको पता है इसमें ये लिखा हुआ है करके, ठीक है, आप विद इन 2 मिनट से पूरा पेज है वो देख पाते हो करके, और ये नहीं हो सकता है जब आपने 2-3 बार पहले रिविजन कर रखा है। यस आशीष, हाँ जी, वही मेरा एम था, पहले इतनी बार रिविजन हो जाए कि लास्ट डे में ये ना लगे ये क्या नई चीज आ गई है,
पेज ओपन करके मुझे सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिक ही पता हो, तो वही चीज हो रही थी लास्ट डे, तो उसके लिए वही कॉम्पैक्ट बुक एक तो अच्छी है, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर है, कई बच्चों को होता डीटी वास्ट है, कुछ मिस तो नहीं हो गया है। हमारा पेपर जैसे आया था ईच एंड एवरीथिंग कॉम्पैक्ट से थी, अगर आप इधर उधर ना जाओ, अगर एक आधा नंबर कोई आपको लगता है बाहर से भी आ गया, आप ये देखो आप 98 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो उस बुक से, 100 मार्क्स का पेपर हमारा कॉम्पैक्ट से ही आया था पूरा, और कॉम्पैक्ट को अगर अच्छे से करोगे तो ईच एंड एवरी चीज आप अटेम्प्ट कर सकते हो पेपर में। थैंक्स अलॉट करके, बाकी पढ़ाई करो तुम सब लोग। और आशीष कुछ बताना चाहोगे आप, आपके जूनियर जो अभी एग्जाम दे रहे हैं और जो मई नवंबर 2022 अपीयर कर रहे हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, गोल्डन रूल्स क्या है? बहुत बार लाइक आपका टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत सारी चीजों में, मेनी टाइम मैं जब पढ़ता था तो मैं हमेशा एक रूल बनाता था कि मैं पहले ना एक नोटबुक पे लिखता था मुझे ये सब्जेक्ट इस पेपर ये फैकल्टी से पढ़ा है तो मुझे यही नोट्स रेफर करना है, दैट इज आई एम स्टिक टू दैट। नहीं तो क्या होता है ना, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो एक टॉपिक उधर उस बुक से कर रहे, दूसरा टॉपिक उस बुक से कर रहे, तीसरा बोलता है उस बुक से करते, और लास्ट में जाते जाते कुछ भी नहीं होता है। तो लाइक आप इनको क्या बताना चाहेंगे कि क्या क्या चीजें ऐसी है जो गोल्डन रूल्स है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए लास्ट के टाइम में, और लाइक बाकी सब चीजें, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को आज भी लगता है कि अगर मेरे टाइम पे व्हाट्सएप और ये सब चीजें होती ना तो मैं सीए नहीं बन पाता करके, बस इतना ज्यादा टाइम किल कर जाती है। ना चाहते हुए भी ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन भी है, टेलीग्राम भी है, बहुत सारी चीजें हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे टाइम पे ये सब चीजें होती तो मैं तो नहीं कर पाता करूँ। तो आप लोगों ने कैसे किया, कैसे ये सब चीजों को मैनेज किया, कितना आप इनसे दूर रहे, सोशल फंक्शन वगैरह, तो आपके क्या गोल्डन रूल है जो आप इनको बताना चाहोगे कि आप इन इन चीजों पर ध्यान दीजिए, आप इजिली क्रैक कर पाओगे? ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं प्लान उसकी प्रिपरेशन की बात करूँ तो मुझे लगता है दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज प्लानिंग एंड सेकंड इज कंसिस्टेंसी, क्योंकि हमारे पास इतना लंबा पीरियड है, अगर हम कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे ना तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक दिन 16 घंटे पढ़ लिया और फिर दो दिन नहीं पढ़ाई की है। मैं रोज 8 घंटे सोता था, 10 से 12 घंटे का आउटपुट निकालने का एम रहता था और वो निकल जाता था। कंसिस्टेंट हमें रहना है और प्रॉपर प्लानिंग करनी है, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो थर्ड चीज मैं बोलूंगा वो होता है कि हमारा जैसे आपने बोला मटेरियल पे स्टिक करना, एक मटेरियल चूज करो आप, अगर आप अलग अलग मटेरियल करोगे तो एक तो वो हैंडी भी नहीं रहेगा आपके लिए, दूसरा अगर हम एक ही मटेरियल को बार बार रीड करते हैं तो एग्जाम में क्या होता है वो पेज हमारे माइंड में वो पिक्चर आ जाती है, तो इसलिए एक ही मटेरियल को स्टिक करो, उसे बार बार पढ़ो, तो वो एक बहुत बेनिफिशियल चीज होती है। और एक आपने बताया कि सोशल मीडिया का, तो उसका मैं बहुत सोशल मीडिया यूज करता था, बट मैं कोई का किसी का मैसेज आता था या किसी कोई ने पोस्ट आई तो वो कमेंट नहीं करता था, रिप्लाई नहीं करता था किसी को। अच्छा। तो सामने वाला बंदा पता है वो भी एक बार मैसेज करेगा, दो बार करेगा, वो मैसेज करना बंद कर देगा। तो देयर वर डेज इवन अक्टूबर नवंबर में पूरा पूरा दिन नेट ऑन रहता था फोन में, तो कोई मैसेज ही नहीं आता था व्हाट्सएप पे भी या इंस्टाग्राम पे भी, तो आप उसे यूज कर सकते हो। तो आपको थोड़ा खुद ही अवॉइड करना पड़ेगा लोगों से कॉन्टेक्ट, जो कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल इज बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा नहीं कि लाइट चालू हुई और आप देख लो और पढ़ाई छोड़ दो करके, ठीक है वैसा? यस एग्जैक्टली। तो जैसा आशीष ने बताया 4-5 रूल, सबसे पहला आपकी प्लानिंग और उस प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट करो, सेकंड इज कंसिस्टेंसी उन्होंने जैसा बताई, तीसरा आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए हर चीज को लेके, और चौथा जो मटेरियल आप फॉलो करते हो पढ़ने के लिए आप फिर उसको रिलीजियसली फॉलो करिए, फिर आप इधर उधर नहीं किसी फ्रेंड ने बोला कि नहीं नहीं वो मटेरियल अच्छा है या किसी ने बोला ये अच्छा है, आप कहीं मत जाइए, आप जो पढ़ रहे हो जहां से आपने पढ़ा है आप उसी पे स्ट्रिक्ट रहिए जैसा आशीष ने बोला। सो आशीष बहुत बहुत बधाई हो आपको आपके फ्यूचर के लिए, बहुत आगे जाओ करके, ठीक है बहुत आगे जाओ, सच बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा खुशी होती है जब बच्चे सीए बनते हैं और आगे जाते हैं उसके लिए। सो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक्स अ लॉट आशीष। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।